Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Masha Kiran, hope you're all having an amazing day. Today I'm back with another video. Hope you are doing well. So enjoy the video. Let's get right into it. Assalamualaikum. आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ दो नए सूट, जो बिस्तरी और एक काली का सूट है. चलो इसको देखते हैं कि इसको मैंने किस तरह डिजाइन किया हुआ है, किस तरह स्टिच किया हुआ है. सबसे पहले इसकी नेक पे आते हैं. इसकी नेक जो है वो मैंने हार्ट शेप में काटी है. और उसके बाद ये जो कपड़ा है, ये बॉर्डर के साइड पे कपड़ा था. ये बिस्तरी का सूट है, टू पीस था और इसके साथ मैंने शलवार अलग ली है. अच्छा, ये सबसे पहले साइड पे बॉर्डर पे काटा हुआ है. फिर इसके साथ ये लेस मिला के साइड पे लेस लगा दी है. और दरमियान में जो है ये बटन लगा दिए, पर और वो वाले ये बटन लगाए. बाकी जो है ये इसके चाक और बॉर्डर पे भी वही बॉर्डर का कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है. और ये जो है बॉर्डर का कपड़ा लेके इसके ऊपर ये इसको किस तरह किया हुआ है, ये सेंटर लेस जो आजकल मिल रही है वो सेंटर लेस लगाई है. फिर इसके साथ बॉर्डर का कपड़ा टच किया हुआ है और फिर इसके साथ ये गोल सिलाई में लेस लगा दिए, ये देखें. और ये जो है ये साइड पे देखें, ऊपर मैंने कपड़ा लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को, मैं डिटेल इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह मैंने स्टिच किया हुआ है. इसकी बैक मैंने सिंपल बनाई हुई है, लेकिन इसके साथ भी मैं ये फ्रंट पे जो साइड चाक मैंने बनाए थे इसी तरह मैं बनाना चाहती थी, लेकिन बॉर्डर का कपड़ा था ही नहीं और तो ये मैंने सिंपल बना दिए चाक. और बॉर्डर पे जो नीचे बॉर्डर है वो मैंने उसी तरह सेंटर लेस लगाई हुई है. फिर साइड का कपड़ा बॉर्डर का लेके वो लगाया, फिर उसके बाद गोल सिलाई के साथ ये लेस लगा दिए. अब हम आते हैं आस्तीन पे. इसकी आस्तीन पे ये जो है ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है. ये टू पीस सूट था, एम्ब्रॉयडर्ड सूट था, आस्तीन पे काम हुआ है और बाकी जो था फ्रंट वो प्रिंटेड था. और फिर उसी तरह मैंने सेंटर लेस लगाई हुई है या फिर बॉर्डर का कपड़ा लेके और ये लेस लगा दी है बॉर्डर पे ही. और इसके साथ ये सूट बड़ा अच्छा लग रहा है. बॉर्डर का कपड़ा जो डिज़ाइन मैंने किया हुआ उसके साथ बड़े ही इसकी लुक जो है वो बड़ी अच्छी आ गई. इस सूट का दुपट्टा बड़ा ही प्यारा है, प्रिंटेड इसकी प्रिंट है कि इसके पूल वगैरह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. और ये लिया भी मैंने प्रिंट इस दुपट्टे की वजह से लिया है. और ये मैंने इसको कहते हैं, एक है इसमें चाइना पीको, वो ख़राब हो जाती है इस्तेमाल के साथ, लेकिन आजकल ये आई हुई है दुकानदार इसको इस्लामाबाद पीको कहते हैं, तो वो की हुई है मैंने इसके ऊपर, ये ख़राब नहीं होती. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये टू पीस सूट था, दुपट्टा और कमीज. इसके साथ ये ट्राउज़र जो है ये मैंने अलग ली हुई है और इस तरह मैंने थ्री पीस बना दिए है. ट्राउज़र मैंने बिल्कुल सिंपल ही स्टिच की हुई है, आम जिस तरह शलवार स्टिच करते हैं वही मैंने शलवार स्टिच की हुई है. मेरी सेकेंड नंबर का सूट जो है वो काडी से मैंने लिया हुआ था. ये भी टू पीस सूट था, दुपट्टा एंड कमीज़ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है. और ये भी मैंने दुपट्टे की वजह से लिया हुआ है. दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा था और इस सूट का कलर मुझे बड़ा पसंद आया था. बहुत ही कम सूट इस तरह मैंने, ये कलर मेरे पास तकरीबन है ही नहीं, तो ये मैंने ले लिया था. अतः इसकी नेक पे, इसकी नेक जो है वो ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो मैंने काट दी, चूँकि ये इसमें बेल कलर बन रहे थे. तो गर्मियों में आप लोगों को पता है गर्मी बहुत सख्त होती है और मुझे बहुत सख्त गर्मी लगती है, तो बेल कलर मैंने बनाया ही नहीं, मैंने गोल ही गला बनाया है. और इसके साथ ये दरमियान में कट दे के ये पाइपिंग की हुई है. नीचे जो दामन का कपड़ा था वो मैंने काट के यहाँ पर लगा दिया है और ये स्टिच कर दिया है. उसके साथ मैंने मोटे मोटे पर्पल ले ये पर्ल लेके, ये चार पर्ल लेके इसके साथ ये डिज़ाइन कर दिया है और बटन से बन गए, ये मेरे बटन बना दिए. बाकी जो मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है, क्योंकि इसके खुद अपने प्रिंट और वो सारा कुछ ऐसा था कि इसके साथ मैंने कहा कि कुछ और नहीं बनाती, तो बस ये मैंने सिंपल बना दिया है.
और इसके साथ चूंकि ये नाप जो है ये कुछ इस तरह था, ये साइड नीचे जो है इस कलर का ऑफ वाइट का ज़रा सा कपड़ा था, बॉर्डर था, लेकिन वो मैंने काट दिया है। नाप मुझे ये वाला चाहिए था तो इसलिए वो मुझे कटिंग करनी पड़ी। ऊपर से मैं नहीं काट सकती थी क्योंकि फिर पूरी एम्ब्रॉयडरी जो है वो ख़राब हो जाती गले की, तो नीचे से ही मैंने काट दी। इंशाल्लाह ये और सूट भी मैंने लिए हुए हैं, 2-3 सूट लिए हुए हैं, तो वो भी मैं जब स्टिच करूँगी, उनका डिज़ाइन अलग बनाऊँगी तो बताऊँगी कि उनके साथ मैंने क्या किया है, क्योंकि उनकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होगी, इस शर्ट के मुकाबले में वो बड़ी होगी। अच्छा, इसकी बैग जो है ये पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा होगा या नहीं, इस पर सेल्फ प्रिंट बना हुआ है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा प्रिंट है और लाइन लाइन से कपड़ा है, अच्छे लग रहा था ये कपड़ा मुझे, तो इसलिए मैंने ये सूट ले लिए। और ये बॉर्डर का जो था ऑफ वाइट वो मैंने थोड़ा सा काट दिया है क्योंकि नाप ही ये छोटा ही चाहिए था, तो इसलिए अस्तीन भी इसके उसी तरह मैंने बनाए। मैंने कहा ना कि इसके साथ मुझे लेस वेस ज़रा वो नहीं लग रही थी, पहले तो मुझे लेस मिली नहीं रही थी, अब जब ये शर्ट मैंने वो स्टिच कर दी तो इसके साथ मुझे लेस भी मिल गई इसी कलर में, पहले नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये पिंक कलर में लेना चाहती थी लेस इसके साथ, तो इसलिए मैंने इस शर्ट में कोई लेस वेस नहीं लगाई, ऐसे सिंपल ही बना दिए। आते ही इसके दुपट्टे में, दुपट्टा इसका बड़ा ही प्यारा है, लाइनिंग लाइनिंग वही हुआ और प्रिंट जो कमीज में है उसी तरह ये, इसके दोनों बॉर्डर पे ये प्रिंट डिज़ाइन बना हुआ है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस सूट पे भी मैंने वही पीको की हुई है, चूँकि ये पीको मुझे अच्छी लगी है, आजकल पीको का इतना ज़्यादा फैशन भी नहीं है, लेकिन मैंने ये पीको लगा दी है और ऑफ वाइट कलर में, चूँकि ये दुपट्टा पूरा ऑफ वाइट है, सिर्फ बॉर्डर पे ये पिंक पिंक सा है, तो ये मैंने ऑफ वाइट ही पीको कर दी है और वही इस्लामाबाद वाली पीको। ये चाइना पीको जो है वो ख़राब हो जाती है यूज़ के साथ, पूरी उसकी सिलाई जो है वो हट जाती है, वो हो जाती है, तो इसके लिए मुझे डव्स नहीं मिल रहा, सॉरी, तो इसलिए मैं ये पीको करती हूँ। ये थोड़ी सी महंगी भी है उससे चाइना पीको से, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ ताकि कपड़े जो अच्छे हों, तो पीको से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़े से पैसे लगा लें और उसकी पीको अच्छी करें। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये कार्डी का सूट था, 2-पीस शर्ट एंड दुपट्टा, तो शलवार मैंने इसके साथ अलग ली हुई है और शलवार भी मैंने सिंपल स्टिच की है जिस तरह से शलवार करते हैं, इस पर सेल्फ प्रिंट बना हुआ है जिस तरह ये कमीज पे, और यकीन करें कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगता कि ये इससे अलग मैंने लिया हुआ है, क्योंकि जिस तरह कमीज पे वो प्रिंट बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह मुझे ये प्रिंट सेल्फ प्रिंट में ये कपड़ा मिल गया और ये शलवार भी मैंने ले ली है। Hey, so here we are again. How do you like the video? Comment down below, like this video and subscribe to our channel.